दिल्ली और बीजिंग दोनों ही इंडिया और चाइना की कैपिटल सिटी हैं और दोनों ही दुनिया के कुछ ओल्डेस्ट सिटी में से गिने जाते हैं। चाइना और इंडिया ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सभ्यताएं हजारों साल पुरानी हैं और दोनों किसी टाइम में दुनिया की सुपर पावर हुआ करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया और चाइना दुनिया के पहली और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन जो ब्रिटिश ने इंडिया का नुकसान किया था उसकी भरपाई आज तक कर रहे हैं। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। 1947 के बाद जो भी आज हमने बिल्ड किया है वो खुद से ही बनाया है। सेम केस चाइना का भी था। चाइना भी जापान के इन्वेजन से बहुत परेशान था। चाइना की भी हालत ऑलमोस्ट इंडिया जैसी थी, लेकिन चाइना में ये सब कुछ चेंज होने लगा मिड 80s में, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोलने का फैसला लिया ताकि बाहर के इन्वेस्टर चाइना में इन्वेस्ट कर पाए। ठीक इसके 10 साल बाद यानी 1991 में इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी खोली। इसके साथ ही चाइना और इंडिया ग्रो करने लगे, लेकिन जिस रफ्तार से चाइना ग्रो कर रहा था उस रफ्तार से इंडिया नहीं कर पाया। खैर, आज दोनों देशों में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है और ये फ़र्क दोनों देशों के शहरों में भी दिखता है। इस वीडियो में दिल्ली और बीजिंग का कंपैरिजन करेंगे ताकि ये सबको पता चले कि आज के टाइम ये दोनों कैपिटल सिटी कहाँ पे स्टैंड करती हैं। इससे पहले मैंने बेंगलोर और शेंज़ेन का कंपैरिजन कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों शहरों के ओरिजिन से। अगर बात करें दिल्ली की तो इसका सबसे पहला मेंशन मिलता है महाभारत में। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का जिक्र हुआ है जो कि दिल्ली का पुराना नाम है। हालांकि इसकी स्थापना कब हुई थी ये कह पाना मुश्किल है। उसके बाद से दिल्ली कई एम्पायर की राजधानी रहा है। दिल्ली पे कंट्रोल यानी इंडिया पे कंट्रोल, इस शहर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, लेकिन मुगल एम्परर शाहजहां ने एक सिटी बसाया था जिसको नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जो कि आज के टाइम पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। फिर बाद में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना कैपिटल कोलकाता को चुना था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला दिल्ली का इतिहास, इसका क्या रोल रहा है इंडिया की हिस्ट्री में, तो उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसको न्यू दिल्ली बोलते हैं। ये कैपिटल सिटी बना इंडिया की और आज के टाइम ये इंडिया की कैपिटल सिटी है। वहीं अगर बात करें बीजिंग की, दिल्ली की तरह बीजिंग का भी इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है बीजिंग की स्थापना जऊ डायनेस्टी ने की थी बिफोर क्राइस्ट के 1045 साल पहले। तब से लेकर के अब तक जैसे दिल्ली वैसे बीजिंग भी चाइना का सेंट्रल पॉइंट रहा है पावर का। ओरिजिन के बाद देखते हैं दोनों शहरों का एरिया और पॉपुलेशन। सबसे पहले देखते हैं बीजिंग का एरिया और पॉपुलेशन। बीजिंग का एरिया 16,411 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी यह शहर सच में बहुत बड़ा है। 2021 में बीजिंग की पॉपुलेशन थी 2,19,00,000 के लगभग। और अगर बात करें दिल्ली की तो इसका एरिया सिर्फ 1484 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको NCR बोलते हैं वो 55,083 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी दिल्ली टोक्यो के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला सिटी है और कुछ सालों बाद ये टोक्यो को रिप्लेस करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला सिटी बन जाएगा। अब देखते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी। बात करें बीजिंग की तो 2011 के एस्टिमेट के अनुसार बीजिंग की GDP 591 बिलियन डॉलर है, यानी 600 बिलियन डॉलर के करीब, और बीजिंग की परचेसिंग पावर है 950 बिलियन डॉलर। चाइना में सबसे ज़्यादा GDP वाला शहर है शंघाई और दूसरे नंबर पर बीजिंग है। और वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की GDP 2021 में 272 बिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई थी, यानी बीजिंग से बहुत कम, और दिल्ली की परचेसिंग पावर है 594 बिलियन डॉलर। जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से दिल्ली की GDP नहीं है, इवन टोक्यो की GDP अकेले ही 2 ट्रिलियन डॉलर है। अब देख लेते हैं दोनों शहरों का टूरिज्म सेक्टर। दोस्तों 2019 के बाद 2022 तक कोविड के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो मैं जो आपको डाटा दिखाऊंगा वो 2018 का होगा। 2018 बीजिंग में 3.9 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया था। बीजिंग में आपको बहुत से टूरिस्ट प्लेस मिल जाएंगे जैसे फॉरबिडन सिटी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और टेम्पल ऑफ हेवन जैसे प्लेस। वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली इस मामले में बहुत आगे है। 2018 के डाटा के अनुसार दिल्ली को 12 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया है और 2019 में यह आंकड़ा 15 मिलियन तक पहुंच गया था। 2019 में एक ग्लोबल रैंक आई थी
जिसमें दिल्ली को 11वां स्थान मिला था जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया है। बीजिंग इस लिस्ट में नहीं था। नंबर एक पे था हांगकांग। और अगर बात करें दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस की तो आपको बहुत से मुगल आर्किटेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है जहाँ पे बहुत से लोग विजिट करने आते हैं। अब देख लेते हैं दोनों शहरों में स्टार्टअप का क्या स्टेटस है। बीजिंग एक स्टार्टअप हब है चाइना का। यहाँ पे आपको 91 यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिलेंगे। जी हाँ, इंडिया ने इसी साल अपने यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में 100th स्टार्टअप ऐड किया है, लेकिन चाइना के सिर्फ बीजिंग में 91 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। फन फैक्ट तो ये है, इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी टोटल मार्केट कैप है $243 बिलियन। और इस कंपनी की शुरुआत 1973 में हुई थी। वहीं बीजिंग की मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है बाइडांस। आपने इस स्टार्टअप का नाम सुना होगा, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। अगर आप नहीं जानते तो अब जान जाओगे। ये वही स्टार्टअप है जो टिकटॉक को ओन करती है, जिसने टिकटॉक को बनाया। और इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन आज के टाइम $213 बिलियन है। कुछ महीने पहले इसकी वैल्यूएशन $300 बिलियन को पार कर रही थी। जानकार मानते हैं अगर टिकटॉक कुछ देशों में बैन नहीं होती तो इसकी वैल्यूएशन $500 बिलियन को भी पार कर सकती थी। अगर बात करें दिल्ली की तो मैं इसमें सिर्फ दिल्ली को नहीं NCR को ऐड करूंगा। दिल्ली NCR में 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। बेंगलोर के बाद दिल्ली NCR सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप का घर है। और यहाँ की मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है जोमेटो। जोमेटो की टोटल वैल्यूएशन $5.3 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों शहरों में कितना फर्क है इस मामले में। हमें अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अच्छा बनाना होगा, क्योंकि आज भी इंडिया की 20% स्टार्टअप किसी बाहर के देश में रजिस्टर्ड है। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा कि ये स्टार्टअप अपने आप को बाहर क्यों रजिस्टर करती हैं। आखिर क्या है जो इंडिया नहीं दे पाता इन स्टार्टअप्स को, जिसके लिए इनको बाहर के देशों को चुनना पड़ता है। इस मामले में सबसे फेमस नाम आता है फ्लिपकार्ट का। ये भी सिंगापुर से रजिस्टर्ड थी, जो कि पहले कुछ हद तक इंडियन थी, लेकिन अब ये पूरी तरह अमेरिकन बन चुकी है। और आज भी हालात ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। स्टार्टअप के बाद अब देख लेते हैं नंबर ऑफ बिलियनियर। बीजिंग में आज के टाइम 83 बिलियनियर रहते हैं, और इनमें सबसे अमीर इंसान है बाइडांस के फाउंडर CEO जेंग ईमिंग, जिनकी टोटल संपत्ति है $49 बिलियन। वहीं दिल्ली में 51 बिलियनियर रहते हैं, और इनमें सबसे अमीर इंसान है DLF के चेयरमैन राजीव सिंह, जिनकी टोटल संपत्ति $8 बिलियन के आसपास है। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस मामले में बीजिंग का कोई मुकाबला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना के किसी शहर को आज के टाइम दुनिया का कोई भी शहर बीट नहीं कर सकता। इवन चाइनीज सिटी आज के टाइम कई मामलों में न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है इंडिया में। इवन मुंबई से भी बेस्ट है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता। दिल्ली में ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं, ज़्यादा ब्रिजेस हैं एज कम्पेयर टू मुंबई। फिर भी दिल्ली बीजिंग के आसपास भी नहीं टिकता। दोनों शहरों में मेट्रो की सुविधा है। बीजिंग में मेट्रो की लेंथ 700 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी लाइन में 405 स्टेशन मिलेंगे आपको। वहीं दिल्ली मेट्रो भी ज़्यादा पीछे नहीं है। दिल्ली मेट्रो की लेंथ 400 किलोमीटर को टच कर रही है, और 3 से 5 सालों में ये फासला और कम होने वाला है। एटलीस्ट इस मामले में दिल्ली टक्कर दे सकता है बीजिंग को 3 से 5 सालों में। फिर भी यही कहूंगा कि अभी दिल्ली को बहुत आगे जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है दोनों शहरों के बारे में।